सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल गियर इन्फोटेक। आज का हमारा कंटेंट टाटा हैरियर के ऊपर होगा एंड स्पेशली हैशटैग डार्क रूल्स पे। तो आगे आप कार को एक बार देखिए। तो बात करते हैं अब यहाँ पे टाटा हैरियर के बारे में कुछ। तो जैसा कि मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ये 2019 में लॉन्च हुई थी एंड इसके ऊपर अभी तक कोई फेसलिफ्ट वेरिएंट नहीं आया है एंड स्टिल इट्स द बेस्ट इन इट्स सेगमेंट। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ याद दिलाना चाहूँगा, उस टाइम पे बम्पर पे हेडलैम्प्स देने वाली ये पहली ऐसी गाड़ी थी एंड यस यही पहली ऐसी गाड़ी थी। इसके बाद आपकी सब कॉम्पैक्ट SUVs जैसे कि वेन्यू हो गई, उनमें भी इस तरीके के फीचर्स आने लगे जो कि कार को काफ़ी बोल्ड डायनेमिक लुक देता है। अब अगर बात करूं यहाँ पे ग्रिल के बारे में, तो इसके काफ़ी अच्छी बड़ी मैसिव ग्रिल दे रखी है जिसकी वजह से इंजन में कूलिंग होती है एंड एक अच्छा खासा माइलेज प्रोवाइड करता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको साइड टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, जैसा कि आप अभी देख सकते हैं साइड टर्न इंडिकेटर्स विद इंटीग्रेटेड है, इसमें LED DRLs हैं। नीचे की तरफ भी यहाँ पे आपको ग्रिल दे रखी है जो कि इंजन की कूलिंग में हेल्प करती है। उसी के साथ यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प का सेटअप, हैलोजन हेडलैम्प का सेटअप एंड यहाँ पर आपको फॉग लैम्प का सेटअप देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोजेक्टर हेडलैम्प पर यहाँ पे आपको लायन का एम्बलम शो करता है जो कि दिखाते ही है गाड़ी में दिस इज द पावर ऑफ हैरियर। तो बात करते हैं हैरियर की साइड प्रोफाइल के बारे में यहाँ पे कुछ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं साइड प्रोफाइल में, मैं सबसे पहले टायर के बारे में बात करना चाहूँगा आपसे। ये काफ़ी ज़्यादा वाइड टायर्स हैं एंड जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा, काफ़ी कार्स में ऐसा होता है कि बम्पर्स इस एरिया पे आपके टायर के आगे आ जाते हैं जिसकी वजह से टायर की कूलिंग में थोड़ा सा दिक्कत होता है एंड टायर बर्स्टिंग में काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं ऑन द केसेस ऑफ हाईवेज जो कि हमने अक्सर देखा ही है। अगर मैं इधर बात करूँ टायर की, तो आप एलॉय का सेटअप देख सकते हैं। टायर का साइज़ आपकी स्क्रीन के ऊपर है एंड यहाँ पर साइड फेंडर पे मैं आपको बताना चाहूँगा डार्क की बैजिंग दे रखी है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगती है, बहुत प्रीमियम लगती है। ये जो डार्क एलिमेंट है ये बहुत प्रीमियम लगता है, पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर यहाँ पे OVM की बात करूँ तो यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स मिलते हैं एंड यहाँ पे नॉर्मल सी फिनिश है ब्लैक की जो पूरी बॉडी पर है। उसी के साथ अगर मैं बात करूं यहाँ पे साइड प्रोफाइल में, तो काफ़ी ज़्यादा गाड़ी को बोल्ड लुक दिया गया है। आप यहाँ से देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव और बोल्ड लुक दिया गया है साइड प्रोफाइल से इसको। आप यहाँ पे साइड प्रोफाइल में एक चीज़ और गौर से देख सकते हैं, यहाँ पे आपको हैरियर की बैजिंग देखने को मिलती है एंड उसी के साथ यहाँ पे आपको क्वार्टर ग्लास देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको 50 लीटर्स का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है। अब अगर बात करूँ मैं यहाँ पे टेल लैम्प के डिज़ाइन के बारे में, तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इसको अच्छा लुक दिया गया है एंड डार्क एडिशन की वजह से यहाँ पर इसका कुछ डार्क फील भी दिया गया है टेल लैम्प पे जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है और बोल्ड लुक भी दे रहा है कार को। अब अगर यहाँ पे मैं पूरी तरह से बैक या रियर प्रोफाइल पे आ जाऊँ, तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ऊपर की तरफ आपको माइक्रो एंटीना देखने को मिल जाता है, उसी के बाद आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प देखने को मिलता है, रियर डिफॉगर, वाइपर एंड वॉशर एंड यहाँ पर आपको डार्क एडिशन की बैजिंग, खैर यहाँ पे तो आपको नंबर प्लेट की जगह है बट स्टिल यहाँ पे आपको रिवर्स कैमरा का ऑप्शन एंड नीचे की तरफ आपको यहाँ पे हैरियर की बैजिंग देखने को मिल जाती है। बम्पर्स पे आपको पार्किंग सेंसर्स देखने को मिलते हैं एंड काफ़ी मैसिव बूट स्पेस है यहाँ पे, आप देख सकते हैं जैसा कि आप इस समय करंट सिचुएशन में देख सकते हैं काफ़ी मैसिव बूट स्पेस है। तो अब बात कर लेते हैं रियर डोर की बिल्ड क्वालिटी के बारे में टाटा हैरियर की, बट इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैंने काफ़ी ज़्यादा सॉलिड बिल्ड क्वालिटी वाली कार्स का रिव्यू किया है जैसे कि जीप कंपस हो गई, टाटा नेक्सॉन हो गई, उनमें से सबसे टफ मुझे ये कार लगी है एंड मैं पर्सनली खुद नहीं कह रहा हूँ, आप इसे खुद फील करिएगा एंड मैं आपको खुद जितना मैं फील करा सकता हूँ मैं कराऊँगा। इस कार का अभी तक क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है बट स्टिल ये कार मेरे हिसाब से 5/5 स्टार्स लेकर आएगी डेफिनेटली। अब बात कर लेते हैं इसके इंटीरियर्स के बारे में यहाँ पे, तो ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको ट्विटर देखने को मिल जाता है, नीचे की तरफ आपको क्रोम गार्निश हैंडल पे मिल जाती है एंड यहाँ पे एक अच्छा खासा आर्म रेस्ट सपोर्ट मिल जाता है, पावर विंडोज़ के कंट्रोल एंड उसी के साथ यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल मिलता है, यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक फिनिश देखने को मिल जाती है, यहाँ पर कुछ स्टफ़ रखने के लिए जैसे कि आपका वॉलेट या फिर फ़ोन स्टफ़, बॉटल होल्डर स्पेस एंड नीचे की तरफ स्पीकर। ऊपर की बात करूँ यहाँ पर विंडो में, तो काफ़ी अच्छी विंडो डिज़ाइन की गई है एंड ऐसा लगता है कि लाइक ये सेटिंग है ना बिग कार।
तो अब एक बार बात कर लेते हैं इंटीरियर्स के बारे में यहाँ पे कुछ। तो जैसा कि मैं आपको यहाँ पे कुछ बताना चाहूँगा कि आपको सीटिंग कंफर्ट काफ़ी अच्छा दे रखा है एंड कार चूँकि बहुत वाइड है तो शोल्डर रूम आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा एंड यहाँ पे आप आराम से 4 लोगों को आराम से बिठा सकते हैं। डेफिनेटली अगर नी रूम की यहाँ पे बात करें तो नी रूम आप देख सकते हैं काफ़ी सफिशिएंट है। आगे की रो मैंने जानबूझ के पहले एडजस्ट की अपने हिसाब से एंड इसके बाद मैं पीछे आया हूँ। अंडर थाई सपोर्ट की बात करूँ तो अंडर थाई सपोर्ट भी आप देख सकते हैं अच्छा है, नॉट बैड। तो अगर बात करूँ यहाँ पे मैं हेडरूम के बारे में तो यहाँ पे आपको हेडरूम काफ़ी अच्छा मिल रहा है मेरे जैसे पैसेंजर्स के लिए, तो काफ़ी अच्छा है। एंड उसी के साथ अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसकी वाइडनेस की तो काफ़ी ज़्यादा वाइड है एंड आपके 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल रहे हैं। उसी के साथ यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट देखने को मिल जाता है विद 2 कप होल्डर्स जैसा कि आप अभी देख सकते हैं इस समय अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं आपको बी पिलर्स पे एयर विंड्स देखने को मिल जाते हैं दोनों ही साइड, जो कि काफ़ी अच्छा एयर का वेंटिलेशन करते हैं। एंड अब अगर बात करें इसके इंटीरियर्स के बारे में तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको OVM के कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। उसी के साथ यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश, पावर विंडोज़ के कंट्रोल, क्रोम गार्निश, बॉटल होल्डर, स्पीकर एंड यहाँ पे आपको लैम्प देखने को मिल जाती है, ताकि जैसे कि कोई पीछे से आपका कार या फिर कोई हैवी व्हीकल आ रहा है तो वो देख सकेगा कि आपका कोई कार का डोर ओपन है, जिसकी जो कि काफ़ी ज़्यादा अवॉइड करता है एक्सीडेंट्स को। तो अगर बात करूँ यहाँ पे इंटीरियर्स के बारे में तो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इसको लाइक बोल्ड सा लुक दिया गया है। इंटीरियर्स में भी काफ़ी अच्छा लुक दे रखा है, प्रीमियम भी दे रहा है एंड ऐसा लगता नहीं है कि ये लाइक पुरानी ओल्ड स्कूल टाटा जैसी कार्स हैं, सब काफ़ी मैच्योर और काफ़ी ज़्यादा चेंज आ गया है टाटा में। आप देख ही सकते हैं रीसेंट के कुछ ईयर्स में काफ़ी ज़्यादा चेंज आ गया है। एंड यहाँ पे अगर बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको डैशबोर्ड भी काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ मिल जाता है, फैब्रिक अच्छा खासा यूज़ हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश देखने को मिल जाती है, इस तरफ भी आपको डार्क एडिशन की थोड़ी सी चीज़ें टच देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ बात करूँ ग्लव बॉक्स की तो ग्लव बॉक्स में आपको अच्छा खासा स्पेस देखने को मिलता है। यहाँ पे आप अपना पेन वेन कुछ भी यूज़ कर सकते हैं तो उसको यहाँ पे पेन को अपना यूज़ करने के बाद रख सकते हैं। नीचे की तरफ ग्लव बॉक्स में लैंप है, आपको इस तरफ आपको कुछ स्टोरेज स्पेस देखने को मिल जाती है या फिर अपने फ़ोन को वायरलेसली चार्ज करने का भी ऑप्शन है। उसी के साथ ये कार अभी आपकी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में, इसका मैनुअल वेरिएंट भी आता है। एंड यहाँ पर आपको हैंड ब्रेक की बात करूँ तो हैंड ब्रेक इसका काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग है, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। हैरियर में ये चीज़ काफ़ी अच्छी थी। यहाँ पे नीचे की तरफ आपको कप होल्डर का स्पेस देखने को मिल जाता है एंड आर्म रेस्ट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको एक डिसेंट सी आर्म रेस्ट में स्पेस देखने को मिल जाती है, जो कि 12 वोल्ट के चार्जर के साथ प्रोवाइडेड है एंड यहाँ पे 2 USB टाइप चार्जर्स भी हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। उसी के साथ नीचे यहाँ पे आपको मैनुअली ऑप्शन उनको ऑपरेट करने का ऑप्शन है। यहाँ पे आपके एयर वेंट्स की डिज़ाइन देख रखी है, काफ़ी अच्छी तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। नीचे की तरफ यहाँ पे आपको कुछ डमी बटन्स हैं एंड यहाँ पे आपका हज़ार्ड लाइट, इको मोड या फिर पावर मोड या फिर आपका फॉग लैम्प के ऑप्शन हैं। नीचे की तरफ यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे हैरियर की स्टेयरिंग के बारे में, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। उसी के साथ ये आपकी 4 स्पोक्स स्टेयरिंग व्हील है, काफ़ी अच्छी और ग्रिपी स्टेयरिंग है इसकी। इस साइड आपके वाइपर एंड वॉशर्स के कंट्रोल हैं, इधर आपके इंडिकेटर्स के कंट्रोल हैं। अब अगर बात करूँ यहाँ पे इसकी स्टेयरिंग के बारे में एक चीज़, तो ये आपकी टिल्टेबल एंड टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग व्हील है, जो कि अच्छी चीज़ है लॉन्ग राइड्स पे, ये काफ़ी कुछ हेल्प करता है। तो कार के इग्निशन पे कार कुछ इस तरह से दिखती है, जैसा कि आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इको मोड, सिटी मोड एंड स्पोर्ट मोड, इस समय फ़िलहाल ये सिटी मोड पर है। तब बात कर लेते हैं यहाँ पे IRVM के बारे में, तो यहाँ पे आपका मैनुअली एडजस्टेबल IRVM है जैसा कि आप देख सकते हैं एंड उसी के साथ यहाँ पे आपको रीडिंग लैम्प मिल जाती है, सेपरेट रीडिंग लैम्प्स भी हैं एंड जिन्हें आप साथ में भी ब्लिंक कर सकते हैं जैसा कि आप अभी देख सकते हैं। तब अगर बात करूँ यहाँ पे सनरूफ के बारे में तो यहाँ पे मैं आपको सनरूफ दिखाना चाहूँगा, ये काफ़ी ज़्यादा वाइड है अपने रेंज में या अपने सेगमेंट में, काफ़ी ज़्यादा वाइड सनरूफ यहाँ पे हैरियर में ऑफर होती है बिकॉज इसकी जो बॉडी शेप है वो काफ़ी वाइड है, इस सेगमेंट में हेक्टर आती है तो इन सारी कार से ये काफ़ी ज़्यादा वाइड सनरूफ है इसकी, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो अब बात कर लेते हैं हैरियर के इंजन के बारे में यहाँ पर। सबसे पहले तो अगर यहाँ पे मैं बात करूँ इंजन के बारे में तो यहाँ पे आपको डीजल इंजन देखने को मिलता है एंड यहाँ पे उसी के साथ अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी सॉलिड दी गई है, काफ़ी ज़्यादा सॉलिड।
उसी के साथ यहाँ पर अगर इंसुलेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा इंसुलेशन दे रखा है एंड कार में कई चीज़ों को बहुत ज़्यादा बारीकी से ध्यान रखा गया है। जैसे केबिन की नॉइज़ बाहर नहीं जाएगी और बाहर की नॉइज़ केबिन तक एंटर नहीं होगी। काफ़ी ज़्यादा मोटी चादर है, जैसे कहते हैं ना इंडियंस मोटी चादर है। तो अगर बात करें यहाँ पे इंजन के बारे में तो यहाँ पे ये 170 पीएस की पावर जनरेट करता है एंड 350 NM का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जो कि काफ़ी अच्छा है इस सेगमेंट में। एंड ये 2 लीटर का इंजन है आपका।